अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बख़ैर वाफ़ियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 18 थ्योरेटिकली तौर पर मुकम्मल हो चुका है, तो अब बात आती है चैप्टर की एक्सरसाइज की। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं इस चैप्टर नंबर 18 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पहले दो रिव्यू क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर देर किस बात की, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज गिवन एज, हमें सवाल कुछ इस तरह से दिया जा रहा है। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के हवाले से कुछ पूछा गया। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है आपका, आइसोटॉप्स का क्या चीज़ सेम और क्या चीज़ डिफरेंट होती है? डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आइसोटॉप्स हैव गॉट सेम एटॉमिक नंबर बट दे हैव गॉट डिफरेंट एटॉमिक मास। उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो इसी एतबार से डियर स्टूडेंट्स, ये ए ऑप्शन बनती है, लेकिन पहले बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डिफरेंट एटॉमिक नंबर नहीं, बी ऑप्शन नहीं हो सकती। सी, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनकी एटॉमिक नंबर सेम होता है तो डिफरेंट का पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगी। डी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यकीनन सेम ही होंगे, तो लिहाजा डी ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन ए, एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वन आइसोटॉप ऑफ द यूरेनियम इज 238 92, यानी उसका एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक मास 238 है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटॉप इज, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस आइसोटॉप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एटॉमिक नंबर जी होता है जो 92 है इस केस में, और डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास ए होता है जो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो इस क्वेश्चन में 238 है, तुम्हारे डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ख्याल है आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिर क्या होंगे? वो लिखे जा सकते हैं एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, 238 माइनस 92 करेंगे तो हमारे पास जवाब 146 आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी 146। सीधा सीधा सा स्ट्रेट आंसर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच Among the following radiation has more penetrating power, यानी जो options में दी गई options हैं उनमें सबसे ज़्यादा penetrating power किसकी है? Dear students, chapter में मैंने आपको ये बात discuss करवाई थी कि जो radiation ज़्यादा ionization cause करती है वो अपनी energy during ionization loss कर देती है, उसकी penetration यकीनन सबसे कम होगी। तो dear students, आप simple सा rule याद रख सकते हैं। The simple rule is this: penetration is inversely proportional to the ionization. Dear students, greater the ionization, lesser will be the penetration. जिसकी ionization जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी penetration उतनी कम होगी। तो dear students, इसी एतवार से आप category बना चुके हुए हैं ionization के लिए। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा है अल्फ़ा की, सो अल्फ़ा हैज़ गॉट मोस्ट आयनाइजेशन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, उससे कम आयनाइजेशन है बीटा की, लीस्ट आयनाइजेशन है गैमा की। तो आयनाइजेशन के अतबार से ये सिंपल सी जो हायरार्की है फॉलो होगी, ये सिंपल सा ऑर्डर फॉलो होगा। और अगर इसके बरक्स देखा जाए दूसरी तरफ पेनिट्रेशन के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स, पेनिट्रेशन के लिए अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली जिसकी आयनाइजेशन लीस्ट है उसकी पेनिट्रेशन मोस्ट होगी, आपको रूल ऊपर बता चुका हूँ। तो गैमा की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम बीटा की,
सबसे कम डियर स्टूडेंट्स अल्फ़ा की होगी। तो इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए चलिए, विच हैज़ गॉट मोर पेनिट्रेशन, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन फिर यकीनन गैमा रेडिएशन की होगी। डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा एमसीक्यू था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच एमिट्स वन अल्फा पार्टिकल। जो एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है उसके एटॉमिक नंबर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स उसके लिए आप सबसे पहले ज़रा ये रिकॉल करें कि अल्फ़ा पार्टिकल है क्या। सो डियर स्टूडेंट्स अल्फ़ा पार्टिकल इज नो अदर देन हीलियम न्यूक्लियाई। आप जानते हैं इसका एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स जब ये किसी न्यूक्लियस में से खारिज होगा तो ऑब्वियसली उस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास बाय 4 रिड्यूस कर जाएगा और एटॉमिक नंबर बाय 2 रिड्यूस कर जाएगा। आपने इसका जनरल फार्मूला देखा हुआ है, एक्स का अगर एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जी है, अगर एक्स अल्फा डिके करता है तो वो वाई में कन्वर्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, और वाई के साथ साथ वो अल्फा रेडिएशन यानी हीलियम न्यूक्लियाई को एमिट करेगा 4-2, और साथ यकीनन कुछ एनर्जी हमेशा निकलती है। तो डियर स्टूडेंट्स वाई के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वाई का एटॉमिक मास 4 पॉइंट्स कम होगा और डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर 2 पॉइंट्स कम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है अल्फा रेडिएशन का जो माइनस होना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसी बात को ऑप्शन में तलाश करते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 1 नो, स्टेज द सेम नो, डिक्रीज बाय 2 यस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का 5th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटॉप इज 1 डे। आपको हाफ लाइफ दे दी गई है जो कि तकरीबन एक दिन है। What is the quantity of isotope will left after 2 days? तो आपको ये बताना है कि 2 दिन के बाद उसकी कितनी क्वान्टिटी बचेगी। तो पहले तो ये असेस कर लें, मैयर कर लें कि आखिर 2 दिन में कितनी हाफ लाइफ्स गुजरेंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितनी हाफ लाइफ्स 2 दिन में गुजर जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात फाइंड आउट करने के लिए आप 2 दिन को 1 दिन पर डिवाइड करें ताकि आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएं। माय डियर स्टूडेंट्स टोटल टाइम जो गिवन है उसको ऊपर रखेंगे और हाफ लाइफ टाइम को नीचे रखेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 आ जाएंगी। तो यहाँ से पता चलेगा कि 2 दिन का मतलब है इस मटीरियल की 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 2 हाफ लाइफ के गुजरने के बाद नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आप जानते हैं। चलिए मैं आपके सामने फार्मूला लिखता हूँ, एन इज इक्वल्स टू 1/2 इन टू टी इन टू एन नॉट। माई डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले के मुताबिक आप टी में क्या पुट करेंगे, टी में नंबर ऑफ हाफ लाइफ पुट करेंगे जो कि अभी आपने 2 निकाली है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट करते हैं, एन इज इक्वल्स टू 1/2, ऊपर भी 2 आ गया एन नॉट, तो माई डियर स्टूडेंट्स इसका जवाब आ जाएगा 1/4 एन नॉट, यानी कि असल का 1/4 असल का क्वार्टर बचेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए आंसर को तलाश करते हैं, 1/2 नो, 1/4 यस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी डियर स्टूडेंट्स बी द 1/4। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आया। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स, यानी ऐसा यूरेनियम जिसके पास 92 प्रोटॉन्स हैं, इजेक्ट्स अ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स को एमिट कर रहे हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी रिमेनिंग इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स बचेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्या ख्याल है कैसे फाइंड आउट करेंगे। जल्दी से ज़रा रिकॉल कीजिए कि बीटा डिके होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स हमने बीटा डिके को डिटेल से स्टडी किया हुआ। मैंने आपको बताया था कि बीटा डिके में असल में एक न्यूट्रॉन डिके करता है, और जब भी किसी मटेरियल में बीटा डिके होता है तो उसके प्रोटॉन्स में एक इजाफा हो जाता है। तो अगर मेरे पास एक्स एटॉमिक मास ए एटॉमिक नंबर जी है और वो डिके कर रहा है वाई में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यानी एक बीटा पार्टिकल साथ एमिट हो रहा है कुछ एनर्जी के, तो माय डियर स्टूडेंट्स याद कीजिए कि इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप कहेंगे एटॉमिक मास एज इट इज़ रहेगा, ए एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर -1 है।
इट विल बिकम z प्लस वन. तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा रूल आपको समझ में आ गया. अगर दो 92 प्रोटॉन इनिशियली थे तो बीटा पार्टिकल्स के बाद 93 प्रोटॉन्स हो जाएंगे. तो यस, एग्जैक्टली द करेक्ट ऑप्शन इज डी माय डियर स्टूडेंट्स. हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि जो सूरज की सरफेस पे रिलीज ऑफ एनर्जी है, द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू. सूरज की सरफेस पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो एनर्जी निकल रही है, जो हम तक पहुंच रही है, वो आखिर किस वजह से है. डियर स्टूडेंट्स, आपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में पढ़ा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को ज़मीन पर अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन सूरज की सरफेस पर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर तकरीबन 20 मिलियन केल्विन का टेम्परेचर है, वहाँ पर यह फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल है. इनफैक्ट वहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से अचीव की जाती है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है. डियर स्टूडेंट्स, चलिए बाकी भी पढ़ते हैं. न्यूक्लियर फिशन, नो, नॉट एट ऑल. बी, न्यूक्लियर फ्यूजन, जी बिल्कुल यही दुरुस्त है, तो इसको मार कर लेते हैं. बाकी आंसर्स भी देख लें. बर्निंग ऑफ गैसेस, नो. केमिकल रिएक्शंस, नो. केमिकल रिएक्शंस नहीं होते यहाँ पर, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस. उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया. चलिए अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू द लाइटर न्यूक्लियस द प्रोसेस वुड. डियर स्टूडेंट्स, वैसे मुझे ज़रा ये तो बताइएगा, जिसमें हैवी न्यूक्लियस एक लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट हो तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं. आप जानते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस. तो डियर स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ फिशन रिएक्शन, एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक तो होता है, लेकिन साथ बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है. एंड डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से इस प्रोसेस को डिफरेंट न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं. ए, रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं. एब्जॉर्ब न्यूक्लियर एनर्जी, नॉट एट ऑल. रिलीज केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का ताल्लुक न्यूक्लियस के साथ नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, डी है एब्जॉर्ब केमिकल एनर्जी, नॉट एट ऑल, ये भी बिल्कुल नहीं होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगी. द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी माय डियर स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन, रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी. सो ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगी. उम्मीद करता हूँ कि ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझ आया. चलिए स्टूडेंट्स, अगले सवाल की जानिब चलते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इस चैप्टर के लिए ये लास्ट वन है. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज द रीज़न कार्बन डेटिंग वर्क इज दैट. कार्बन डेटिंग वैसे क्या थी, ज़रा रिकॉल कीजिए. कार्बन डेटिंग में हम मुर्दा प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस की लाइफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं. अब आपको कॉन्सेप्ट तो रिकॉल हो ही है. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सच स्ट्रॉन्ग एमिटर्स ऑफ कार्बन 14. नहीं, ये ऑप्शन पढ़ते हैं. आफ्टर अ प्लांट और एनिमल डाइज, इट स्टॉप टेकिंग द फ्रेश कार्बन. डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगले सी ऑप्शन की तरफ भी बढ़ते हैं. देर इज सो मच नॉन रिडक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. नो, वी व्हेन प्लांट्स और एनिमल डाई दे एब्जॉर्ब द फ्रेश कार्बन 14. तो डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है. और सी ऑप्शन जो है, देर इज सो मच नॉन रिडक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इसका कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन ए है, प्लांट्स एंड एनिमल आर सच स्ट्रॉन्ग एमिटर्स ऑफ कार्बन 14, ये बात भी लॉजिकली गलत है, दुरुस्त नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब बी ऑप्शन वाहिद बचती है. बी ऑप्शन क्या है, आफ्टर अ प्लांट और एनिमल डाइज, इट स्टॉप टेकिंग इन फ्रेश कार्बन 14. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जब कोई भी जानदार या कोई भी पौधा ख़त्म हो जाता है तो उसकी फ्रेश कार्बन 14 की इनटेक ख़त्म हो जाती है. हम कार्बन 14 के डिके से, डिसइंटीग्रेशन से, उस गुजरे हुए मरे हुए जानवर, पौधे या इंसान की उम्र का अंदाज़ा लगाया करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिव्यू क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए पहले सवाल की जाने बढ़ते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन. तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने के बाद अब हम बढ़ चुके हैं रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18.1 सेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है. माय डियर स्टूडेंट्स, गिव अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियाइड.
तो स्टूडेंट्स ज़रा रिकॉल करें कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल मौजूद है, उस एटॉमिक मॉडल के मुताबिक सेंट्रल पार्ट ऑफ अ एटम इज़ पॉजिटिव। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज़ पॉजिटिव बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल। तो ओवरऑल सेंट्रल पार्ट का चार्ज माय डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव होगा, और माय डियर स्टूडेंट्स इस सेंट्रल पार्ट के गिर्द कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर एक एटम कहलाता है। आमतौर पर एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू है न्यूक्लियस के अंदर क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के मटेरियल्स, दो किस्म के पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक को माय डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है प्रोटॉन्स, और माय डियर स्टूडेंट्स दूसरे को कहा जाता है न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स की तादाद किसी भी मटेरियल में एटॉमिक नंबर कहलाती है। इसे डियर स्टूडेंट्स जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसी भी मटेरियल की पहचान है। स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा प्रोटॉन्स के इक्वल हों। डियर स्टूडेंट्स, इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल एन भी यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जमा कर दिया जाए, उनका सम ले लिया जाए, तो ये बनेगा एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास। माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं ये लिख सकता हूँ एटॉमिक मास इज ए, विच कैन बी रिटन एज जी प्लस एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर ये बात बहुत वाजह तौर पे क्लियर हो चुकी है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस है। एटॉमिक नंबर इज ओनली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, वेयर एज द एटॉमिक मास इज, माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी पूरे के पूरे न्यूक्लियस का सम। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने जो यहाँ पर एक एटम छोटा सा बनाया, इस एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एटॉमिक मास की वैल्यू क्या है, 2 + 2 = 4, यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगर इस एटम को हमें लिखना हो एक सिंबल की फॉर्म में, तो इसकी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखी जाएगी, इसको सिम्बॉलिक लिख सिंबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी एटम होता है उसका सिंबल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हीलियम कहते हैं। हीलियम का सिंबल HE लिखा जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर चूंकि 2 है, एटॉमिक नंबर बॉटम लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है, यानी यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, और एटॉमिक मास, माय डियर स्टूडेंट्स, टॉप लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट एनी सिंबल ऑफ अ न्यूक्लियस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्स, जिसका एटॉमिक मास ए है, ऊपर ए और नीचे जी करके भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हुआ है। चलिए अब अपने सेकेंड रिव्यू क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन 18.2। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियोएक्टिविटी? रेडियोएक्टिविटी से क्या मुराद है? व्हाई सम एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव बट सम आर नॉट? स्टूडेंट्स, रेडियोएक्टिविटी पहले ये बताएं होती क्या है, फिर ये बताएं कि रेडियोएक्टिविटी कुछ मटेरियल्स क्यों एग्जिबिट करते हैं और कुछ एग्जिबिट क्यों नहीं करते, यानी कुछ मटेरियल्स रेडियोएक्टिव क्यों हैं और कुछ क्यों नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप रिकॉल कीजिए कि मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है, एक न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है। हमने कहा था कि एक न्यूक्लियस में डियर स्टूडेंट्स कुछ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं जो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो प्रोटॉन्स मौजूद हैं इस न्यूक्लियस में, साथ यकीनन कुछ न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, सो दिस पॉजिटिव मस्ट रिपेल द अदर पॉजिटिव। इस रिपल्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कहते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो लिहाजा एक न्यूक्लियस में जो इतने ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, क्या ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे होंगे? डियर स्टूडेंट्स, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। यकीनन ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी रिपल्शन की वजह से हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस बिखरना चाहता है, अलग होना चाहता है, स्प्लिट होना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं कि एक फोर्स ऐसी मौजूद है जो कि इस न्यूक्लियस को होल्ड किए रखे। वो कौन सी फोर्स है डियर स्टूडेंट्स? वो फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। मैंने ड्यूरिंग लेक्चर भी ये बात बताई थी डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को होल्ड किए रखते हैं, लेकिन ये रिपल्सिव फोर्सेस न्यूक्लियस को बिखेरना चाहती है। ये रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियस को अलग अलग करना चाहती है, स्प्लिट करना चाहती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तो रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इजाफे से। तो अगर तो रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएँ किसी भी न्यूक्लियस में, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। तो याद रखिएगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद को स्टेबल बनाने के लिए रेडियोएक्टिव एमिशन शुरू कर देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात बहुत कॉमन है, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, वो हमेशा अनस्टेबल न्यूक्लियस करते हैं। दे आर ऑलवेज एग्जिबिटेड बाय अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेबल न्यूक्लियस कभी भी रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना एग्जिबिट नहीं करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एंड द एलिमेंट विच एमिट्स सच रेडिएशन आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको दोनों बातें समझ आ गई हैं कि रेडियो एक्टिविटी डेफिनेशन क्या है, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, और रेडियो एक्टिविटी आखिर कौन से न्यूक्लियाइज करते हैं और कौन से नहीं करते। ओनली दिस रेडियो एक्टिविटी इज एग्जिबिटेड बाय द अनस्टेबल न्यूक्लिया इन विच द रिपल्सिव फोर्सेज आर ग्रेटर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए जाने वाले तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पहले दो रिव्यू क्वेश्चंस आपने बखूबी समझे हैं, ना सिर्फ समझे हैं, नोट भी किए हैं। मुझे यकीन इस बात का भी है कि आपने इन सवालात के जवाबात सुनने और देखने से पहले दे दिए हुए थे। बस ये वीडियोस आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए देखी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना बेइंतहा ख्याल रखें। आपसे मैं मुलाकात करूंगा आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।